नमस्कार दायंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। लॉकडाउन के चलते जहां देश प्रदेश को काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है, वहीं इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर भी पड़ रहा है। ऐसे में बच्चों के स्कूल की फीस न जमा करवा पाने की चिंता अभिभावकों को सताने लगी है। इसे लेकर गहलोत सरकार ने प्रदेश के निजी स्कूल संचालकों को सख्त हिदायत दी है। राजस्थान भाजपा सूबे के मुखिया अशोक गहलोत पर कई गंभीर आरोप लगा रही है। भाजपा ने संकट की इस घड़ी में युवाओं का, खास तौर पर स्टूडेंट के हितों का ध्यान नहीं करने का आरोप लगाया है। भाजपा के आरोप हैं कि गहलोत सरकार की अनदेखी के चलते स्कूलों में फीस वसूली की जा रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा के आरोपों का जवाब दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि लॉकडाउन के कारण अगर कोई अभिभावक आर्थिक स्थिति के चलते फीस जमा नहीं करवा पाता है तो निजी स्कूल ऐसे विद्यार्थी का नाम नहीं काटे। यदि कोई स्कूल ऐसा करता है तो राज्य सरकार उसकी मान्यता निरस्त कर सकती है। उन्होंने संबंधित विभाग को इस बारे में निर्देश दिए हैं कि इस बात का भी परीक्षण किया जाए कि निजी स्कूल विद्यार्थियों को फीस और अन्य शुल्क में किस प्रकार राहत दे सकते हैं। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि इससे उन विद्यालयों के संचालन पर प्रभाव ना पड़े। शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की शेष परीक्षाएं आयोजित करवाए जाने के संबंध में कहा है कि CBSE के फैसले के हिसाब से ही इस पर फैसला किया जाएगा, ताकि दोनों बोर्डों की परीक्षाओं में एकरूपता बनी रहे और विद्यार्थियों को कोई नुकसान ना उठाना पड़े।